नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। देखिए, मेष राशि वालों के लिए पिछले सप्ताहों की तुलना में ये सप्ताह बेहतर रहेगा, खास तौर से करियर के मामले में और धन के मामले में। चिंताएं भी आपकी समाप्त होंगी और सप्ताह के मध्य में आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। लेकिन दो बातों का इस सप्ताह में ध्यान रखिए, खान पान में सावधानी रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और जहां तक संभव हो इस सप्ताह में वाहन सावधानी से चलाइएगा। पूरे सप्ताह सूर्य भगवान की उपासना करें, उनको जल दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वृषभ राशि, ये सप्ताह पहले की तुलना में अच्छा है, स्वास्थ्य बेहतर होगा, मानसिक स्थिति अच्छी होगी और करियर में आपको सफलता मिलेगी। अगर करियर में कोई नई शुरुआत या नया परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये सप्ताह उस दिशा में आपको सफलता देगा। धन और करियर की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग विवाहित हैं वो थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देंगे और सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य न बिगड़े इसमें सावधानी बनाए रखेंगे। पूरे सप्ताह भगवान शिव की अगर आप पूजा करें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी धीमे है और सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन वो एक दो दिन में समाप्त हो जाएगा। ये सप्ताह धन के मामले में अच्छा है, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उस दिशा में अच्छा है और किसी धार्मिक यात्रा पर भी इस सप्ताह में आप जा सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए सफलता के बहुत सारे अवसर हैं, अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में निपटाने का प्रयास करिएगा। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य और स्वभाव का बनाए रखिएगा। पूरे सप्ताह भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि, मिला जुला सप्ताह है आपके लिए। एक तरफ आपकी मन की चिंताएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, दूसरी तरफ करियर का प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान बनाए रखिए और उतना ही काम करिए जितना काम आप हैंडल कर सकते हो। बेवजह क्रोध ना करें, जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। पैसे पर्याप्त मात्रा में आ रहे हैं, पैसों की बर्बादी ना हो, व्यर्थ के खर्चे ना हो, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस पूरे सप्ताह हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि, बहुत सारी सफलताएं इस सप्ताह में दिख रही हैं, धन का आगमन भी है, धन का खर्चा भी है, घर में शुभ और मंगल कार्य दिख रहे हैं, खरीदारी में दौड़ भाग में इस सप्ताह व्यस्तता बनी रहेगी। करियर और परिवार का मामला आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन सर्दी जुखाम बुखार का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और खान पान में थोड़ी सावधानी रखिएगा। बाकी ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है।
पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो आपको लाभ होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए लाभकारी सप्ताह दिखाई दे रहा है। बहुत सारे रुके हुए काम आपके इस सप्ताह में पूरे होते हुए दिख रहे हैं। मानसिक चिंताएं भी समाप्त होंगी और कोई पुराना विवाद हल होगा। पुराना रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा है तो वो आपको प्राप्त होगा। परिवार को लेके, परिवार को लोगों को लेके जो चिंताएं थी वो समाप्त होंगी और इस समय जीवन बेहतर रास्ते पे चलेगा। अच्छा समय है, अपने महत्वपूर्ण काम निपटाइए। सप्ताह के अंत में कोई चोट चपेट ना लगे या वाहन दुर्घटना ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। पूरे सप्ताह भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। ऑफिस में किसी तरह का विवाद ना हो, सतर्क रहें। बाकी सप्ताह जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बेहतर होगा। धन लाभ होता हुआ दिख रहा है और अगर आप प्रयास करेंगे तो सप्ताह के मध्य में आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। इस सप्ताह किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं, किसी पूजा पाठ अनुष्ठान में व्यस्त हो सकते हैं। हालांकि तमाम चीजों के बावजूद आपकी धन की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। इस पूरे सप्ताह में शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी जरूर है लेकिन स्वास्थ्य को लेकर अभी आप लापरवाही नहीं कर सकते। काम का प्रेशर बहुत है, व्यस्तता बहुत है। हालांकि करियर पहले की तुलना में ठीक हुआ है, पैसे भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य में लापरवाही ना करें और लिखा पढ़ी के मामलों में थोड़ी सी सावधानी इस सप्ताह में बनाए रखिएगा। काम का उतना ही प्रेशर लीजिए जितना आप हैंडल कर सकें। जरूरत से ज्यादा प्रेशर आपको बीमार कर देगा। इस पूरे सप्ताह में हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धनुराशि, धनुराशि वाले सप्ताह की शुरुआत में चोट चपेट से बचें। बेवजह का परिवार में, ऑफिस में विवाद ना हो, उसका ध्यान रखें। बुधवार से स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। इस सप्ताह के अंत तक कोई रुका हुआ काम पूरा होगा, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी और कोई छोटी मोटी यात्रा भी इस सप्ताह में आपकी हो सकती है। संतान पक्ष की उन्नति इस सप्ताह में दिख रही है और इस सप्ताह में आप खरीदारी में, मार्केटिंग में व्यस्त रहेंगे, ऐसा भी लग रहा है। तो धनु वाले केवल सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी शांति और सावधानी बनाए रखें, बाकी सप्ताह आपके लिए अच्छा है। पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, सप्ताह मिला जुला है आपके लिए। देखिए, बेवजह की चिंताएं, तनाव, पुरानी बातें आपको परेशान कर सकती हैं, तो बेवजह का तनाव मत पालिए, चिंता मत करिए, वरना स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। देखिए, करियर का मामला आपके लिए अच्छा है, धन का मामला अच्छा है और परिवार का सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन बेवजह की चिंताएं, बेवजह के इमोशंस आपको परेशान कर सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। और थोड़ा सा ध्यान ये रखिए
कि पैसे किसी को ले दे रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें, उसमें लिखा पढ़ी ठीक से कर लें ताकि आपका पैसा डूबे नहीं, पैसे का नुकसान ना हो। और मकर वाले थोड़ा सा ध्यान सप्ताह के अंत में वाहन चलाने का भी रखेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। पूरे सप्ताह मकर राशि के लोग शनि मंत्र का जप करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं है, तनाव, काम का प्रेशर, चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा स्थितियां आपकी बेहतर हो जाएंगी। इस समय पारिवारिक मामले आपको तनाव में डाल सकते हैं, शांति पूर्वक मामलों को सुलझाने का प्रयास करें, बेवजह चिंता न करें और जोश में आके कोई ऐसा गलत फैसला मत लीजिएगा जिससे आप किसी मुश्किल में पड़ जाएं। धन की स्थिति आपके लिए ठीक बनी हुई है, करियर का मामला भी ठीक बना हुआ है। सप्ताह के अंत में कोई महत्वपूर्ण मीटिंग अगर आप करेंगे, सप्ताह के अंत तक कोई महत्वपूर्ण काम करेंगे तो उसमें सफल होंगे। इस पूरे सप्ताह अगर हनुमान जी की पूजा करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत सामान्य है, कोई छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। इस सप्ताह में आपके करियर में दिक्कतें दिख रही हैं, नौकरी जा सकती है, नौकरी छोड़ सकते हैं या व्यापार में मुश्किलें आ सकती हैं, तो इस समय संयम और धैर्य से काम लें, बेहतर समय का इंतजार करें। परिवार का सहयोग और सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा और धन को लेकर के किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सप्ताह के अंत तक जाते जाते आपकी मुश्किलें थोड़ी बेहतर होंगी और अगले सप्ताह में चीजें आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। ये सप्ताह करियर के मामले में थोड़ी मुश्किलें दिखा रहा है और कह रहा है कि अगर किसी बड़े बुजुर्ग से या अपने किसी मित्र से सहयोग या सहायता ले लें तो बेहतर होगा। इस पूरे सप्ताह में सूर्य भगवान को अगर आप जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।